बहुत दुखद है और बिल्कुल हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। जब 370 ख़त्म किया गया था और 35-1 ख़त्म किया गया था, तो उस वक्त अमित शाह जी ने देश को आश्वासन दिया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि 370 ख़त्म करने के बाद भी और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद भी स्थिति में कोई तब्दीली नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों लगभग 9 जवान हमारे शहीद हुए, तो ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। और जो भारत सरकार का और गृह मंत्रालय का जो दावा था, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। सर, बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि आप जैसा कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण बाहर हो रही है, महबूबा मुफ्ती का एडवाइस है कि जो लोकल्स हैं उनसे कंस्ट्रक्टिव बातचीत की जाए जिससे कि आतंकवाद पर लगाम लग सके। क्या कहना है सर? बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती जी का कहना बिल्कुल सही है। जो लोग भारत समर्थक हैं या जिन्होंने हमेशा भारत के पक्ष में स्टैंड लिया है, उन सब लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण पिछले दिनों वैसे तमाम लोगों को जो भारत से जिनकी हमदर्दी थी, लगाव था, और जिसको हम कह सकते हैं कि वो राष्ट्रवादी थे, उन सबको एक तरह से जेलों में बंद कर दिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि आज कोई लोकल जो वहाँ का स्थानीय लीडरशिप है, वो एक तरह से अलग थलग कर दिया गया है। उनको विश्वास में केंद्र सरकार ने या वहाँ के एलजी ने नहीं लिया है, और यही ये भी एक कारण हो सकता है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।